नमस्कार दोस्तों दीप क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है मैं आज आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताऊंगी जो घरेलू चीज़ है घर पे आप बना सकते हो उसको ये है जी लकड़ी की खाद लकड़ी की जो राख होती है वो और उपले की भी खा राख बना सकते हैं आप जला के और फ्री की है ये आप घर में खाना बनाते हो या फिर आप सर्दी में आग जला के हाथ सेकते हो तो उसमें आपको मिल जाएगी क्योंकि ये सर्दी में ही ज़्यादा यूज होती है ये मैं पूरा प्याज में डालने के लिए बना रही हूँ इसको तो प्याज में बोलते हैं इसका बहुत अच्छा असर करती है ये प्याज में इससे एक तो फंगस नहीं लगती है जड़ें इसकी ख़राब नहीं होती हैं और प्याज अच्छे से मिट्टी नरम हो जाती है तो प्याज में प्याज भी अच्छे बैठते हैं प्याज भी बड़े बड़े निकलते हैं तो ये है जी मेरी प्याज की कैरी और मेरे को डेढ़ महीना हो गया इसको प्याज लगाए हुए इसमें तो इन प्याज़ों में मैं डालूँगी मेरी राख राख में मैंने मिला रखे हैं दो हिस्से खाद के और एक हिस्सा राख का क्योंकि ज़्यादा राख डालने से भी नुकसान होता है ज़्यादा तो कोई भी चीज़ डाल के आप देखोगे तो नुकसान ही, ही होगा तो इसलिए मैंने थोड़ी खाद मिलाई है इसमें दो हिस्से और एक हिस्सा मिलाया है मैंने एक राख का तो इसमें मैं ऊपर ऊपर छिड़क दूँगी इसको पूरा एक तसला मेरा था ये है मेरी क्यारी बाई चौदह की तो इसमें मैंने एक तसला खाद और राख का मिला के डाला है और अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आएगा क्योंकि मैंने पिछले साल भी इसी कैरी में लगाया था और मैंने राख डाली थी तो मेरे बहुत अच्छे प्याज निकले थे आपने वीडियो में देखा होगा तो प्याज भी अच्छे निकले थे और अच्छे भी बहुत वैसे भी अच्छे बहुत थे आप बाज़ार से लेके आते हो उनसे तो ज़्यादा अच्छे थे अभी तक मेरे वो प्याज चल रहे हैं बाजार से ले आओगे वो जल्दी गड़ जाते हैं क्योंकि उसमें लोग ये यूरिया वग़ैरह डालते हैं इसलिए उसको वो ज़्यादा गड़ जाते हैं जल्दी से ही गड़ जाते हैं और घर के प्याज कभी नहीं गड़ेंगे और फिर मैंने उसमें कैरी में मैंने लगा दी खोदी आ, उससे इनको सारों को मिक्स करने के लिए मैं खोदी लगा रही हूँ तो खोदी लगाएंगे तो वो राख जो ऊपर मैंने डाल ली थी वो सारी मिक्स हो जाएगी और जड़ों में चली जाएगी जब हम पानी डालेंगे तो उसमें जड़ों में पूरी अच्छे से हो जाएगी तो फंगस की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाएगी ये मैंने पूरी क्यारी में अभी खोदी लगा के तैयार कर दी है और अभी इसमें मैं पूरा पानी आज ही डालूंगी पानी अभी डालूंगी इसमें पानी डालने के बाद में मैंने इनको छोड़ दिया और एक महीने के बाद के ये मेरे प्याज हैं कितने बड़े हो गए हैं तो आप मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें तो थैंक यू फ्रेंड्स